इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जोगी जटिल अकाम मन इस स्वरूप है। हर व्यक्ति का जो स्वरूप होता है वो अलग होता है और उसका स्वभाव अलग होता है। दोनों को मिलाइए तो उसके प्रभाव का एकदम अलग नामनक्लेचर बन के आएगा, विश्लेषण निकलेगा। किसी व्यक्ति के स्वरूप को समझकर आप उसके बारे में जो अपना भाव उपस्थित करते हैं वो होता है। क्या है, कैसा है, कैसे है, क्या करेगा, क्या कहेगा आदि आदि। माँ क्या कहती है, योग ज्ञान वैराग्य निधि। आप योग ज्ञान और वैराग्य के खजाना है। जिसके पास खजाना रहता है वो चाहे जब लुटा सकता है। देखिए, जो योग साधक है वो भी भोले बाबा की उपासना करते हैं, ज्ञान साधक है वो भी भोले बाबा की उपासना करते हैं, जो वैराग्य साधक है वो भी बाबा की उपासना करते हैं। मेरे प्रभु भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये राम उपासना भी सब लोग भोले बाबा की उपासना। शायद ही कोई अपने यहां मंदिर होगा जहां भगवान शिव का आलय न हो। अब जरा इन विषयों पर हम ध्यान देते भी नहीं है, क्या है, क्या उपासना पद्धति है, किसमें क्या रमना है, क्या कहना है, क्या करना है। साधक लोग अपना हरि नाम में लगे रहते हैं, परंतु ये हमारे नाम में श्री नागेश्वरनाथ जी महाराज जो उपस्थिति है श्री अवध में, कोई कारण होगा, ऐसे थोड़ी है। हम तो देखते हैं चतुर दिशा, जितनी दिशाएं हैं तो सन्मुख सामने भी वो शिवाला है, हमारे आश्रम में भी सामने शिवाला है। साधक लोग राम भक्त हों, कृष्ण भक्त हों, शाक्त भक्त हों अथवा कोई हो, वो आश्रय में वैराग्य में अवस्थित जीव भी, भगत भी, वो आपको स्मरण करके उस खजाने से कुछ प्राप्त करता है। प्रणत कल्पतरु, प्रणत मने शरण में आए साधक के लिए आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं। आपकी शरण में जो आया और उसने जो चाहा वो पाया। क्यों, आप कल्प वृक्ष हैं। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मैं कुछ आपसे प्रश्न कर लूं। हे नाथ, जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो अथवा तो जिसके निवास में कामधुक कामधेनु हो, वो दरिद्रता का दुख क्यों सहन करे। आज्ञा हो प्रभु। भगवान शिव ने अनुमति प्रदान की और फिर मेरी मां ने अपने कथा सुनने की प्रश्नावली प्रारंभ की। हे नाथ, सरस्वती जी, शेष नारायण जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं, वेद भगवान नेत नेत कहके जिनकी लीलाओं समूह के बारे में रुक जाते हैं, आप दिन रात जिनके पावन मधुर नाम का राम 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 स्मरण करते हैं, क्या वो राम जी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र ही राम हैं अथवा अजन्मा निराकार निर्गुण कोई और तत्व है।
यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो वैज्ञानिक की भांति अपने स्त्री को वो ढूंढते फिरे, ये क्या है। चरित्र दर्शन करके और उनकी महिमा का स्मरण करके, श्रवण करके हमारी बुद्धि में थोड़ा भ्रम उपस्थित हुआ। इसके इतर भी कोई विशेष तत्व हैं तो प्रभु समझाकर सुनाकर हमारे अज्ञान का आप हरण करें। मेरी प्रश्नावली त्रुटिपूर्ण हो सकती है, मैं अज्ञानी हूँ, आपके चरण की दासी हूँ, अन्यथा न रखेंगे। हमारे प्रश्न सहज हैं, मैं प्रभु के लीला चरित्र का श्रवण करना चाहती हूँ। रघुपद चरित महेश हर्षित देवी, जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य भासता है और जिनको जान लेने से ये असत्य समाप्त होकर सत्य का बोध हो जाता है, वो मेरे परम प्रभु कैसे। जैसे जीव सोता रहता है अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, जब जागृत अवस्था में आता है तो स्वप्न लीला समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जिसको जान लेने पर यह असत्य जगत सत्य भासता हुआ दिखता और भगवान का बोध हो जाए तो असत समाप्त होकर सत्य भाव में जीव उपस्थित हो जाता है। ऐसे मेरे प्रभु को मैं वंदन करता हूँ। बंद मुबा रूप सोई रामो सब सिद्ध सुलभ जपत मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु इष्टदेव श्री रघुनाथ जी का बाबा ने स्मरण किया, चरणों में वंदन किया। माँ का प्रश्न क्या है, रामसो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति। राजपुत्र तो जो नृप तनयत ब्रह्म किम नार विरह मति भो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्ध यति। भगतों को ऐसा प्रश्न होता नहीं, भगत लोग तो मान लेते। देखिए भगत केवल मान लेते, भगत प्रश्न में नहीं जाते। इसलिए भगत के जीवन में कभी विघ्न नहीं आता।
लेकिन जो उत्पाती लोग हैं वो मानते नहीं, वो तो कहे हम तब तो जानेंगे। भगत को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पहले मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? भगवान है, भगवान की लीला है, भगवान का दिव्य भाव है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की करुणा है, भगवान की ही कृपा है, ये भगत को मान लेना। जो मान लेगा वो धीरे धीरे जान लेगा। इतने तो अंतर है जटायु जी में और रावण में। जटायु जी मान लिए और रावण मान नहीं रहा है। इससे तो हुआ जो जो उत्पात हुआ। यहां तक पंच कन्याओं में एक मां मंदोदरी समझाती हैं, माल्यवान जी समझाते हैं, भगवत भक्त विभीषण जी समझाते हैं, और छोड़िए ना श्री हनुमान जी भी जाके समझाते हैं, तब भी वो नहीं मानता है। न मानना, जो न माने उसको भगवान के हवाले कर देना चाहिए। कहा लोग मान ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, कोई नहीं मान ही रहा है। 1986 में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद थे, एक माननीय अटल जी, एक कोई और। 14 में इतने सांसद हो गए कि इनकी सीधी सीधी सरकार बन गई, और 5 साल में ऐसा रगड़ दिया है कि सबके कपारे से लेके देह ले खुजली की बीमारी हो गई। तब वो कोई मान ही रहा है, कोई नहीं मान ही रहा है। अब इतना मान ही नहीं रहे हैं कि एकदम जोर लगाए पड़े हैं, कैसो नहीं आवे, और फिर वो आएगा, कहे आएगा। अरे हम देखिए, हम माफ करिएगा, हम नेता होता नहीं, सरकार विराजे हैं, हम नेता होता नहीं है। गुरुदेव भगवान कृपा की थोड़ा स्मरण कर लीजिए, गुरुदेव भगवान आगे तो इस बात के ही विश्राम दे देते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।